हमारे YouTube चैनल एम चेंजर 2.0 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये अनसॉल्व पेपर है, क्लास 12 का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, और ये सेट नंबर 3 है, 2019 का सेट नंबर 3 है, और इसका कोड संख्या है 348FT। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहला है अनिषेक जनन होता है, पहले का क्या है, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के जिसमें जनन होता है, किसमें, क्या मधुमक्खियों में होता है या टर्की में होता है या इन दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका विकल्प तीसरा सही है, मधुमक्खी और टर्की दोनों में अनिषेक जनन होता है, तो विकल्प तीसरा आपका सही आंसर होगा। अगला है मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो मानव में ए बी और ओ रुधिर वर्गों में 6 जीनोटाइप संभव हैं, कितने, 6 जीनोटाइप संभव हैं, विकल्प तीसरा भी इसमें सही है। अगला है बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। बीटी जो है वो किस जीवाणु के द्वारा, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका क्या होगा, बैसिलस। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बी का मतलब हो गया बैसिलस, टी का मतलब बुल्गेरिस, तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, टी से इसी में है थूरिन जीएनेसिस। ठीक है, तो बैसिलस थूरी थूरन जीएसिस, तो यही आपका विकल्प दूसरा इसमें सही आंसर होगा। अगला है ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जात को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना हानि, उसे क्या कहते हैं, जैसे मतलब जितना लाभ हो ना हानि हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्या अंतर जातीय परजीविता या सहोपकारिता या स्पर्धा या सहभोजिता, तो उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता है। ठीक है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जात को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहते हैं, उसे सहभोजिता कहते हैं, तो इसमें विकल्प आपका दूसरा सही है। ये सारे क्वेश्चन दूसरे का सारा क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का है। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए, तो उस हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अगला है उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ, तो वो वैज्ञानिक कौन से थे, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे। ठीक है, अगला है दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, तो मटर और मूंगफली में, किसमें, मटर और मूंगफली में। अगला है प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो किसने, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन ने। फिर अगला है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। अगला क्या है क्वेश्चन, तीसरे का जितना भी है, जितना भी तीसरे का है वो सारे कितने कितने नंबर के हैं, आपके दो दो नंबर के हैं। ठीक है, तीसरे का का खा घ घ और ये आपका दो दो नंबर का है। तो सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सही समझाइए, सहप्रभाविता कोम डोमिनेंस, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे देखिए, जैसे में यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जो जनक है, एक जनक लाल है और एक जनक क्या है, श्वेत सफ़ेद रंग का, तो जब दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं होता है कि केवल जो लाल रंग वाला पशु है तो केवल लाल और सफ़ेद दोनों में कराया जा रहा है, तो या तो केवल लाल ही मिले या तो केवल सफ़ेद, ना ही केवल लाल मिलता है ना ही केवल सफ़ेद, बल्कि इसमें दोनों जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, अर्थात
चितकबरी संतान, लाल और सफ़ेद का मिक्स जो होता है चितकबरी संतान प्राप्त होती है। इसी तरह मानव में ए बी रुधिर वर्ग सहप्रवाहिता प्रदर्शित करता है। जैसे ए बी, जब ए और बी जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनकी संतान किसी मतलब किसी संतान में क्या होता है कि ए और बी दोनों रुधिर वर्ग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वह सहप्रवाहिता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो ये भी आपके पिछले सेट में करवाया गया, देखिए जो पहले करवाया जाता है उसको हम नहीं करवाते। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने पहले सेट को देखा है तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्वि कुंडली डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र और वर्णन दोनों पूछा गया है, कहीं अगर छोटे में पूछा गया तो केवल चित्र, वर्णन पूछा गया तो बड़े में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बार बार बताते हैं, तो ये भी आपको पिछले सेट में करवाया गया है। अगला है, अब देखिए एक मिनट हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर केवल क ख और घा कराया, बीच में गा वाला नहीं करवाया, तो गा वाला आपके सिलेबस का नहीं था, जो आपके सिलेबस का नहीं था उसको हमने छोड़ दिया है। तो चौथे का कहा है कि त्रिशल्यन क्या है या कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिशल्यन में सम्मिलित न्यूक्लियाई यानी केंद्रकों का नाम लिखिए। तो त्रिशल्यन क्या है, चलिए देखते हैं। तो आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष में एक आगुणित नर युग्मक, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं। आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोष में एक आगुणित नर युग्मक आगुणित अंड कोशिका से संयोजन करता है। मतलब आवृतबीजी पादपों में जो भ्रूण कोष होता है उसमें एक आगुणित जो नर युग्मक होता है वह एक आगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके क्या करता है, 2N यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यानी कि जो दूसरा नर युग्मक होता है वो जो द्वितीयक ध्रुव होते हैं, ये जो दो रहते हैं, मतलब ये देखिए ये वाली जो संरचना रहती है, तीन इधर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो दो रहता है ये दो क्या करता है कि ये नर युग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर के त्रिगुणित, यानी जब ये दो एक और से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3N हो जाएगा। तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ही त्रिशल्यन या त्रिशमेकन कहलाती है, इसे हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोनों युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन कितनी बार होता है, दो बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अतः संयुग्मन तथा त्रिशमेकन, जो संयुग्मन और त्रिशमेकन दोनों हुआ है वो दोनों द्वि निषेचन के ही भाग हैं, तभी तो दो बार निषेचन की प्रक्रिया हुई है। तो इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं और संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है तथा त्रिशल्यन के पश्चात बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है आपकी त्रिशल्यन की, ठीक है। जो चौथे का जितना भी रहेगा वो सब 3 नंबर का है, ठीक है। तो चौथे का 3 नंबर का खा वाला देखिए, निम्नलिखित में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इस दोनों को भी पिछले सेट में आपको हमने करवाया था, तो इसलिए हमने इसको पूर्व लिखे। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अगर आप लगातार सेट तैयार कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन भी याद होंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो देखिए अगला है कि एक शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः ए व बी हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतत में जीनोटाइप पता कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। लाल रुधिराणुओं पर उपस्थित प्रतिजन एक प्रभावी जीन आई के कारण होते हैं, मतलब लाल रुधिराणुओं पर जो उपस्थित प्रतिजन होता है वो एक प्रभावी जीन कैपिटल आई के कारण होता है, ठीक है। यदि अप्रभावी जीन स्मॉल आई उपस्थित होता है, यानी देखिए जब कैपिटल आई रहेगा तभी इसको हम प्रभावी मानेंगे, अगर स्मॉल आई है तो ये क्या होगा,
अप्रभावी होगा। तो इसमें जो स्मॉल आई जो होता है, इस पर जो जीन उपस्थित होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं होता, यानी कि जब कैपिटल आई पर रहेगा तो यानी कि प्रतिजन उपस्थित है, और अगर स्मॉल आई है तो इसके मतलब कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है। जैसे देखिए ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें प्रतिजन क्या पाया जाता है, प्रतिजन ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी भी पाया जाएगा। फिर उसके बाद में बी है तो उसमें प्रतिजन ए है, प्रतिरक्षी ए है। फिर ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाया जाता है, और ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। ठीक है, ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। अगर ये वाला चार्ट आपको तैयार होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उपस्थित होता है तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन, एक मिनट सॉरी, देखिए अप्रभावी जीन आई उपस्थित होता है तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते तथा ओ रुधिर होता है। अगर कोई प्रतिजन नहीं होगा तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं होता है। जीन आई यानी स्मॉल आई जीन कैपिटल आई के समक्ष अप्रभावी होता है, क्योंकि कैपिटल आई प्रभावी होता है और ये अप्रभावी होता है। जीन आई ए कैपिटल आई ए प्रतिजन रुधिर वर्ग ए, अगर जीन आई ए प्रतिजन है तो आपको समझना है कि वो रुधिर वर्ग ए है, तथा जीन कैपिटल आई बी प्रतिजन या रुधिर वर्ग बी का निर्माण करता है। जीन आई ए तथा आई बी साप्रभावी है, अभी ऊपर साप्रभावी के एग्जांपल में हमने बताया। अतः एक विषम युग्म जीव व्यक्ति जिसका जीनो टाइप आई ए आई बी है में प्रतिजन ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं, जिस कारण उसका रुधिर वर्ग ए बी होता है। अगर प्रतिजन दोनों पाया जाएगा तो उसका रुधिर वर्ग ए बी होगा। और क्या होता है, स्थिति माता एवं पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः बी और ए है, जबकि शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, और जिसमें कोई प्रतिजन नहीं होगा वो तो ओ होगा। तो चलिए जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं करके। तो देखिए जनक का रुधिर वर्ग क्या है, ए है और बी है। संभावित जीन प्रारूप इसका क्या होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें आई ए और आई ए है तो इसका मतलब है कैपिटल आई ए है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है, और इसके साथ में जो अप्रभावी जीन है वो उपस्थित होगा। फिर ऐसे इसमें भी है, बी में भी, ये आपका अप्रभावी है स्मॉल आई है, यानी कि ये ब्लड ग्रुप बी को दर्शा रहा है, ये ब्लड ग्रुप ए को दर्शा रहा है, ये जो दोनों है ये अप्रभावी जीन को दर्शा रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें जब दोनों को अलग अलग हमने कर दिया तो आई ए अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें भी। अब इसका क्रॉस कराएंगे, आई ए का आई बी के साथ कराएंगे तो आई ए आई बी, फिर आई ए का हम जब आई आई के साथ कराएंगे तो आई ए आई हो जाएगा, फिर आई का जब आई बी से कराएंगे तो आई बी आई हो जाएगा, और आई का आई से कराएंगे तो आई आई हो जाएगा, डबल आई। अब देखिए तो यानी कि इनकी एक संतान का रुधिर वर्ग मतलब 25% संतान इनकी ब्लड ग्रुप ए बी की होंगी, 25% संतानों का ब्लड ग्रुप ए होगा, 25% संतानों का ब्लड ग्रुप बी होगा, और इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है, कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है, दोनों आई है इसलिए इसमें कोई प्रतिजन नहीं है, इसलिए इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी संतानों में ए बी और ओ रुधिर वर्ग दिखाई देंगे, ठीक है, आने वाली पीढ़ी में। अगला है जीन चिकित्सा क्या है, एडनोसाइन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र व्याख्या कीजिए। देखिए इसको भी हमने पिछले सेट में आपको करवाया है। देखिए अगला क्वेश्चन है पचवे का। अब देखिए चौथे में हमने क्या करवाया कि चौथे का हमने का करवाया, एक मिनट, चौथे का खा ग और घा घा, ठीक है, हो गया। पचवे का देखिए शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी आपको पहले करवाया गया है। अब देखिए निम्नलिखित को उदाहरण दे सहित समझाइए, सहप्रभाविता सहप्रभाविता भी ऊपर ही करवाए, और अपूर्ण प्रभाविता नहीं था इसको हम करवा दे रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो F1 पीढ़ी की संतत में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी न होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है, उदाहरण जैसे गुलाबास मीराबिलास जालपा में के लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों के, यानी कि गुलाबास में जब लाल व सफ़ेद पुष्पों के पादपों में
के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में ना लाल प्राप्त होता है ना सफ़ेद, बल्कि क्या मिलता है, गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न हुए। कैसे? गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न हुए। जब इन F1 पीढ़ी के पादपों का स्वनिषेचन कराया गया तो प्रारूपी अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे लाल कैपिटल आर कैपिटल आर, और किसका, सफ़ेद स्मॉल आर में जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, यानी कि ना लाल था शुद्ध ना शुद्ध सफ़ेद था। जब लाल और सफ़ेद को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, गुलाबी कलर का पौधा मिला, ठीक है, गुलाबी कलर के पुष्प मिले। अब इसी गुलाबी को जब इन्होंने फिर से क्रॉस स्वनिषेचन करा दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, तो इनको क्या मिला, एक शुद्ध लाल मिला, दो गुलाबी मिला और एक शुद्ध सफ़ेद, तो 1:2:1 के अनुपात में इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही है आपका अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अब बायोगैस अगला क्या है, देखिए अब हमने इसे चौथे का क कराया, खा कराया, ग आपके सिलेबस का था नहीं, उसको हमने छोड़ दिया तो खा करवा रहे हैं, ठीक है। बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो बायोगैस या आपको जैव गैस लिखा मिले, ठीक है, दोनों एक ही है। तो देखिए जो बायोगैस का, बायोगैस जो है वो जैव गैस का इंग्लिश है, ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई भी मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। मानव मल व पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जाता है। किससे? मानव मल व पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। अपशिष्ट जैव भार को मिथेनोजेनिक जीवाणुओं जैसे मिथिनोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्सी विघटन से प्राप्त किया जाता है। अपशिष्ट जैव भार को मिथेनोजेनिक जीवाणुओं जैसे कि मिथिनोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्सी विघटन से प्राप्त किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाली जैव गैस में मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा होती है। इससे प्राप्त होने वाली जैव गैस में मीथेन गैस की जो होती है वो प्रचुर मात्रा होती है। जंतुओं के अपशिष्ट जीवाभार में सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा होती है। जो जंतुओं के अपशिष्ट जीवाभार होते हैं उसमें सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके पाचन से जीवाणु मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे C6H12O6 यानी ग्लूकोज मीथेनोजन की उपस्थिति में क्या बनता है, मीथेन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसमें कि 16 किलो जूल प्रति ग्राम जो होती है वो ऊर्जा मूल्य इसमें थी, और यहाँ पर क्या होता है, 56 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए गोबर गैस, गोबर से जैव गैस संयंत्र द्वारा गोबर गैस उत्पन्न की जाती है। गोबर से जैव गैस संयंत्र द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, गोबर गैस उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए इसका चित्र जो है ये आपका है, ठीक है, आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, तो ये चित्र देखते रहिए आप और इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है, चित्र देखते रहिए हम आपको बताते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गोबर से जैव गैस संयंत्र द्वारा गोबर गैस उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस क्रिया में एक बड़े संयंत्र टैंक जो लगभग 12 से 15 फीट गहरा होता है, एक बड़ा टैंक होता है, ये जो टैंक है ये लगभग 12 से 15 फीट क्या होता है, गहरा होता है, का प्रयोग करते हैं। इसके एक ओर से 30 सेंटीमीटर का एक छिद्र होता है, मतलब यहीं कहीं एक छिद्र होता है, तो जो एक ढक्कन से बंद रहता है, जो छिद्र रहता है वो ढक्कन से बंद रहता है, और इस टैंक का 3/4 भाग भूमिगत होता है। इसका टैंक का जो 3/4 भाग है वो क्या होता है, भूमिगत रहता है। फिर उसके बाद में छिद्र द्वारा गोबर की घोल भरी जाती है, इसमें जो छिद्र ऊपर जो ढक्कन से बंद रहता है उसी के द्वारा गोबर गैस, गोबर जो इसमें है, गोबर की घोल इसमें भरी जाती है, और समय समय पर इसमें पानी डाला जाता है, यहाँ से इसमें पानी डाला जाता है, यहीं से ये जो सोल्यूशन है यहीं से भरा जाता है और यहीं से पानी डाला जाता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि टैंक के दूसरी ओर एक अन्य छिद्र के द्वारा 2 से 5 सेंटीमीटर की एक नली, यानी कि ये एक नली 2 से 5 सेंटीमीटर की एक नली होती है जो कि टैंक से रसोई घर की ओर, देखिए लिखा है ना, ये गैस यहीं से निकलता है, जो गैस बनता है यहीं से निकलता है, और ये टैंक जो नली होती है कहाँ जाती है, रसोई घर की ओर, क्योंकि वहाँ पर ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो रसोई के चूल्हे तक लाई जाती है। टैंक में गोबर की घोल उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन के कारण गैस का निर्माण होता है। यह गैस के ऊपर तैरते हुए धातु के एक होल्डर में, यानी कि इसमें ये जो ये क्या है, ये होल्डर है, इस होल्डर में एकत्र होती रहती है, और गैस बनने के साथ यह गैस होल्डर ऊपर उठता है। जब गैस बनेगा तो ये गैस होल्डर ऊपर उठ जाता है, और तथा गैस नली में प्रवाहित, जब गैस बन जाती है तो ये होल्डर थोड़ा ऊपर उठेगा, जिससे कि जितना भी गैस होगा इस नली के द्वारा प्रभावित हो जाती है, और उपयोग के बाद घोल को एक दूसरे निकास से बाहर, जो उपयोग करने के बाद में जो घोल बचा हुआ है उसको किसी दूसरे निकास नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका प्रयोग खाद में जिसका बाहर निकाल कर उसे खाद के रूप में खेतों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये आपको चित्र आपको तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए, जैव गैस में 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें पाई जाती हैं। इनका उसमें मान 23 से 28 तक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चित्र है और उसके बारे में था, और चित्र तैयार करना है, ठीक है। अगला है छठवे का का, छठवे का काम, मलेरिया की रोग जनकता लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखे। तो मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया का रोग जनक सॉरी मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअंस है, जो द्विपर्षदीय परजीवी है। ये क्या है, द्विपोषद, यानी इसका जीवन चक्र 2 पोषद में पूरा होता है। प्राथमिक पोषद मानव तथा द्वितीयक पोषद मादा एनाफ्लीज है, पहले ये मानव में फिर दूसरा मादा एनाफ्लीज है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआ की विभिन्न जातियाँ, अलग अलग जातियाँ हैं। तो ये मलेरिया के रोग जनक हो गए और ये लक्षण हो गए। तो इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, रोगी को कब्ज हो जाती है तथा जी मिचलाता है, रोगी का मुख सूखने लगता है, और रोगी के सिर पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ये हो गया इसका बचाव और नियंत्रण। तो वयस्क मच्छरों के लार्वा तथा प्यूपा का विनाश मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है, उनके लार्वा और प्यूपा को नष्ट कर दिया जाए। दूसरा है कि इसके अलावा साफ सफाई, मच्छरदानियों तथा मच्छर रोधी क्रीमों का उपयोग भी मलेरिया को नियंत्रित कर सकता है। तीसरा है कि तालाब व गड्ढों में जल जमा नहीं रहने देना चाहिए। अगला है, जल जमा होने वाले स्थानों पर मच्छर का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को जल में छोड़ देते हैं तथा यूट्रिकुलेरिया जैसे पादपों को जल में उगाते हैं, ये इसका भक्षण कर लेते हैं। फिर इसके बाद में मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त DDT, BSC आदि का प्रयोग, मतलब ये टीका है तो आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट सॉरी टीका नहीं है, इसका छिड़काव करना चाहिए। तो आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दिनों इनका प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उपचार क्या है, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषध दी जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। कुनैन जो है वो 300 वर्षों से एक परंपरागत औषधि है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियाँ जैसे एटीव्रीन, वैसोक्विन, एमक्यून, मेलोसाइड, मेलोव्रिन, निवाकिन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित है। पेलुडिन, मेपाक्विन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी नष्ट करती है, ठीक है।
तो ये आपका मलेरिया के बारे में हो गया। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है खा, छठवे का खा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, परजीविता और सहोपकारिता, ये भी आपके पिछले सेट में कराया गया है। अगला है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़क नाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 3 नंबर का है तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग उर्वरकों व पीड़क नाशियों के रूप में करके रसायन उर्वरकों व पीड़क नाशियों का प्रयोग कम किया जा सकता है, वे पोषक पदार्थ जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे जैसे नाइट्रोजनी जैव उर्वरक, कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, जैसे एजिटोवेक्टर, एजोला, राइजोबियम आदि नाइट्रोजनी स्थिरीकारी जीव हैं। ये सब क्या हैं, ये सब नाइट्रोजनी स्थिरीकारी जीव हैं। तो ऐसे जीव जो फसलों को हानि पहुंचाने वाले पीड़कों को नष्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं, जैव पीड़क नाशी कहलाते हैं। और सूक्ष्म जीवी द्वारा जैव नियंत्रण प्रमुख रूप से जीवाणु वैसिलस थुरियनजिनेसिस, जिसे सामान्यतः बीटी के नाम से जाना जाता है, के द्वारा बटरफ्लाई कैटरपिलर को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा रहा है। तो बीटी टॉक्सिन लार्वा के अंदर पाचन नली में पहुंच जाता है जिससे लार्वा मर जाते हैं, यानी कि इससे उस पौधे को नुकसान नहीं होगा बल्कि जो उस पर जो कीड़े वगैरह लगे हैं उनको ये नष्ट करेगा, ठीक है, उनके लार्वा को नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये पीड़क मतलब सूक्ष्म जीवों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़क नाशियों को कम करने के लिए किया जा रहा है, तो इस कथन की पुष्टि आपको करवाई गई। अगला है आपका प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखे। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज, जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, ये सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। इनको क्या कहा जाता है, इनको आणविक कैंची या चाकू कहा जाता है। इसकी खोज का श्रेय आर्बर को जाता है, इसकी खोज का श्रेय आर्बर नामक वैज्ञानिक को जाता है। और इस एंजाइम का सर्वप्रथम पृथक्करण नेथन्स और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका पृथक्करण किसने किया, नेथन्स और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट सकता है, ये क्या करता है, इसको विशिष्ट स्थलों पर काट सकता है, इसीलिए इसको कैंची या चाकू, आणविक या रासायनिक कैंची या चाकू कहा जाता है। ये जीवाणु द्वारा प्रतिरक्षा साधन के रूप में संश्लेषित होते हैं। विशिष्ट एंडोन्यूक्लिएज द्विरज्जकीय डीएनए को सीमित स्थलों पर काटते हैं और यह विदलन यानी डीएनए के अभिज्ञान अनुक्रमों की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्या करते हैं कि डीएनए को सीमित स्थलों पर काटते हैं और यह विदलन किस पर निर्भर करता है, डीएनए के अभिज्ञान अनुक्रमों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए तो अभिक्रिया के आधार पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, पहला है प्रारूप 1 के एंजाइम। तो प्रारूप फर्स्ट की जो एंजाइम है वे विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं। इसमें क्या होता है कि ये विलोम पदों पर यानी कि तो जो प्रारूप एक विलोम पदों पर डीएनए के अणु के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं, अतः दोनों कटे सिरे सपाट होते हैं, इन्हें कुंद छोर कहते हैं। दोनों ये मतलब विलोम पदों पर डीएनए के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं और इसके दोनों कटे सिरे क्या होते हैं, सपाट, मतलब इधर का भी सपाट होता है और इधर का भी सपाट होता है, जिसे कुंद छोर कहते हैं। ये लगभग 75 न्यूक्लियोटाइड का रिक्त स्थान बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रारूप फर्स्ट के एंजाइम की बात हो रही है। इनके सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मैग्नीशियम प्लस प्लस एवं ए एडनोसिल मिथियोनिन को फैक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो प्रारूप दूसरा क्या है कि प्रारूप 2 के एंजाइम विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं। इसमें क्या होता है, प्रारूप 2 के जो एंजाइम होते हैं वो विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं, तब प्रत्येक कटे सिरे पर एक सूत्र का छोर दूसरे सूत्र के छोर से आगे निकला रहता है और इसका संपूरक होता है। ऐसे छोरों को सलांग छोर यानी स्टिकी एंड्स कहते हैं।
ये एंजाइम निर्धारित परिभाषित लंबाई तथा क्रम के डीएनए खंड उत्पन्न करते हैं तथा सफल क्रियान्वयन हेतु मैग्नीशियम प्लस प्लस की आवश्यकता यानी मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। इनका अधिकांशतः जीन जोड़ तोड़ में प्रयोग होता है, मतलब जोड़ने और तोड़ने में प्रयोग होता है। अगला है प्रारूप थर्ड के एंजाइम। ये प्रारूप सेकंड के एंजाइमों की से समानता दर्शाते हैं, हालांकि सफल क्रियान्वयन के लिए एटीपी यानी एडनोसिल मिथियो एटीपी एडनोसिल मिथियोनिन तथा मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये प्रारूप फर्स्ट तथा प्रारूप सेकंड के माध्यमिक होते हैं। तो इस तरीके से प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कार्य ये हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ये भी आपके पूर्व सेट में कई बार करवाया, मतलब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अथवा करके है कि परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए, जीवीय परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है जो कि क्या करते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जबकि जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है जिनमें अंडाणु बनता है, ठीक है। तो आपको नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिल गए। अब देखिए पादपों में इन परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की इस क्रिया को परागण कहते हैं। पादपों में इन परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। और परागकण के पश्चात पुंकेसर के दल गिर जाते हैं। पुंकेसर और जो दल परागकण के पश्चात यानी कि जो परागण के पश्चात परागण रहेगा, परागण के पश्चात पुंकेसर और दल जो होते हैं वो सूख करके गिर जाते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं, और दूसरा होता है परपरागण। तो चलिए पहले हम स्वपरागण को देखते हैं। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोण उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यह क्रिया द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। पादपों में स्वपरागण के लिए अनियुक्तियाँ ऐसे सम कालपक्वता तथा निमिलिता अनुमिल्यता। सम कालपक्वता में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि निमिलिता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खुलते, जैसे खट्टी बूटी तथा कनकावा। और परपरागण में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन या इसे एलोगैमी कहते हैं। तो परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस क्रिया में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जात के दो पादप काम में आते हैं। यह परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। इनको परागण करने की क्रिया संपन्न करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो परपरागण की विधियाँ, तो परपरागण पादपों में परपरागण निम्न प्रकार से होता है। पहला आपका क्या है, कीट द्वारा परागण। तो कीट परागित पुष्प बड़े आकर्षक रंग युक्त दलों या बाह्य दलों सुगंध एवं मकरंद युक्त होते हैं। क्योंकि देखिए पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े आकर्षक सुगंध वाले होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। तो इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं और उस पर कीट जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे अंजीर में, आक में, साल्विया में, पीपल में, तो इस तरीके से कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और परागण में उनकी मदद करते हैं। तो पहला साधन। दूसरा है वायु। तो वायु द्वारा परागण, वायु परागण, तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे वायु परागित पुष्प छोटे आकर्षण रहित एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, आकर्षण रहित और एकलिंगी होते हैं। ये या तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं जैसे मक्का में, अथवा फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं जैसे पोपलर में। इसके अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं हैं वायु परागण की। तो इसमें बाह्य दल
बाह्य दल एवं दल या तो होते ही नहीं या फिर बहुत छोटे होते हैं, जिससे पराकणों और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। और पराग कोशों में प्रचुर मात्रा में पराकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के साथ अधिकांश पराकण इधर उधर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पर परागण में जो वायु परागण होता है, वायु परागण में पुष्प छोटे ही होते हैं ताकि उनमें आसानी से परागण की क्रिया संपन्न हो सके। तीसरा है आपका जल परागण, ठीक है। यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में प्राय पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं, जैसे कमल, जल लिली। जल परागण के लिए पुष्पों, पराकणों, वर्तिका, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। पुष्प इनके रंगहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। पराकण हल्के श्लेष्मयुक्त तथा यह संख्या में बहुत अधिक होते हैं। इससे पराकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं, तत्पश्चात पराकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया में, हाइड्रिला में, सिरेटोफिल्लम आदि में। तो इस तरीके से ये जल परागण के उदाहरण, आपको ये जो उदाहरण बताया जा रहा है इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जंतु परागण। तो कुछ पादपों में परागण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ों आदि की सहायता से होता है, जैसे सेमल में, कदम्ब में, बिग्नोनिया आदि में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है आपका आठवां कि लिंग निर्धारण क्या है। मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको पिछले सेट में करवाया जा चुका है। अगला है इसी का अथवा वंशागत को परिभाषित कीजिए तथा मेंडल के स्वतंत्र अभ्यून के नियम का वर्णन कीजिए। ये भी आपको पिछले सेट में करवाया जा चुका है। अगला है आपका नौवां जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं। जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियों को समझाइए। तो सबसे पहले हम जैव विविधता को देखते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतः क्रियाएँ करते हुए पादप जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है। जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। रोजन ने 1985 में किया था। ये तो ये आपकी जैव विविधता की परिभाषा हो गई। जैव विविधता की क्षति या विलुप्त के कारण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक आवासों का नाश। तो मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण, प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण वर्षा वनों का क्षेत्रफल लगभग 18% से घटकर बहुत कम रह गया है। तो इसके कारण भी जीव निरंतर नष्ट होते जा रहे हैं, जीवों को क्षति पहुँच रही है। दूसरा, बड़े प्राकृतिक आवासों को टुकड़ों में बांटना, जैसे कृषि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, सड़कों तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जीवों के बड़े प्राकृतिक आवास छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए हैं, जिस कारण विभिन्न जीव जातियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना तथा उनका फैलाव एक निश्चित स्थान से सीमित होकर रह गया है, इसके कारण भी। अगला है प्रदूषण, पॉल्यूशन के कारण। तो प्रदूषण जीवों के प्राकृतिक आवासों में आई कमी के साथ प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है, जिसके कारण किसी समुदाय में उपस्थित बहुत सी जातियां प्रभावित होती हैं। तो ये भी क्षति का कारण है। अगला है कि विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन। बहुत सी विदेशी जातियां अपने आप को बदलती पर्यावरणीय दशाओं में आसानी से अनुकूलित कर लेती हैं तथा ये उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं, ये भी कारण है। अगला है सहविलुप्तता। तो एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं, जैसे जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं। तो जैव विविधता का ये क्षति का कारण था। अब जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। स्वस्थानी संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, उनको उनके स्वयं के स्थान में ही रखकर उनका जब संरक्षण किया जाता है तो उसको स्वस्थानी संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे स्वस्थानी संरक्षण में क्या किया जाता है कि विभिन्न जातियों के जीनों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित किया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। प्राकृतिक रूप से या मान लीजिए प्राकृतिक ही रहेगा जिसको मानव ने सेट कर दिया हो, उस पारिस्थितिक तंत्रों में इन्हें संरक्षित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण,
इसमें क्या है कि इसमें संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, बायस्थानीय संरक्षण। मतलब इनको उस उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरे जगह इनको रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर, आखेट फार्म, सफारी पार्कों, जलशाला, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक एवं जीन बैंक। बायस्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं जहाँ जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो ये आपका नवा क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए, नौवे में जो अथवा करके था वो आपके सिलेबस का नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं करवाया है। तो आपका ये तीसरा सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप सभी रिवीजन करते रहिए, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप सभी एम चेंजर 2.0 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक जिसको ज़रूरत हो उसके तक शेयर भी कीजिए। और जो आपको लगे कि गलत है या समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।